नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। हम मौजूद हैं टांडा टू अकबरपुर मार्ग पर। हम आपको बता दें, जेपी सीमेंट के क्लिंकर कश्मीरिया से प्लांट जेपी सीमेंट तक जाते हैं। आपको बता दें, इस तरीके से गिट्टियां उखड़ गिट्टियां और प्रदूषण हो रहे हैं। कई बार स्थानीय लोगों ने शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हम आपको बता दें, मैं मौजूद हूं विश्वकर्मा धर्म काटा पर। आप देख रहे हैं, विश्वकर्मा धर्म काटा के द्वारा सड़कों को छलनी किया जा रहा है। धर्म काटा तो संचालित किया जाता है, लेकिन उसके पास जगह नहीं है। मानक के विपरीत धर्म काटा संचालित किया जा रहा है। कोई ऐसा समय नहीं है कि जाम ना लगते हो। हर 10 मिनट पर यहां जाम लगते हैं, बड़ी गाड़ियों को टोल करने के लिए। सड़क पर काटा लगा लिया गया, सरकारी धन। आप देख सके किस तरीके से छलनी किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी गाड़ियां हैं जो धर्म काटा पे टोल करने आती हैं, सड़कों को छलनी करती हुई जा रहा है, गड्ढों में तब्दील कर दिए। आए दिन यहां पर राहगीर चोटिल होते हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह धर्म काटा एक मौत का समुंदर बनकर रह गया है। ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग है कि काटे के लिए जो संचालित किए जा रहे हैं, उसको बड़ी जगह दी जाए, जिससे गाड़ी मुड़ सके। अभी बीते हुए देख रहे हैं कि यह सड़क बनाई गई, गड्ढा हो गया था लगभग 5 फुट का। 15 दिन बीतने को है, फिर छलनी होती नजर आ रही है सड़क। इसका जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल है। यह धर्म काटा निश्चित तौर से मानक के विपरीत चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके पास जगह भी नहीं है, इसके बावजूद भी संचालन हो रहा है, लेकिन अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी इस धर्म काटे पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं प्रोफेसर, अब देखना होगा कार्रवाई होती या नहीं होती, यह बड़ा सवाल है। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, सहयोगी शेर बहादुर यादव के साथ, अंबेडकर नगर।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं टीवी सेवन न्यूज यूपी, आपका स्वागत है। आपको हम बता दें, टीवी सेवन न्यूज जो आपके हक की लड़ाई के लिए बनाया गया है, हमारा उद्देश्य इस चैनल का बनाने का यही है कि आपको इस चैनल से न्याय दिला सके। आपकी जो बातें हैं, आपकी पीड़ा है, आपकी समस्या है, उसको हम उच्च अधिकारियों तक ले जाएं और उस पर कार्रवाई कराएं। इसके लिए हम प्रयासरत रहे। आपको हम बता दें, हमारी टीम निरंतर काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम आड़े आते हाथ आ रहा है। आपको हम बता दें, आपका इस मुहिम में बड़ा सहयोग होना जरूरी है। वीडियो को आप जरूर देखें, अगर कोई कमी है तो हमें अवगत कराएं और कमेंट जरूर करें, शेयर करें। आपसे अपील है कि वीडियो देखने के बाद अपने एक साथी को भेजें, उससे 10 लोगों को भेजने की बात कहें, एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा मेरी अपील है कि इसको शेयर करें, कमेंट करें, जिससे यह लड़ाई मजबूत हो सके। आर्थिक रूप से यह प्लेटफॉर्म कमजोर है, इसके लिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। अव्यवस्था के बीच यह टीम काम कर रही है। हमारा प्रयास यही है कि आपको न्याय इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम दिला सकें। हमारी अपील है कि जो भी सहयोग आपका हो, ऑनलाइन देने का कष्ट करें, जिससे यह चैनल आगे बढ़ सके। गोदी मीडिया के युग में सोशल मीडिया एक सहारा है। मुझे लगता है कि आपकी बातें कोई अधिकारियों तक पहुंचा सकता है। आधुनिक दुनिया में संघर्ष करते हुए यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आपके अपार समर्थन के कारण चैनल व मुकाम को पहुंचने को है। आपका आशीर्वाद अपार मिल रहा है। करीब 2 महीने के सफर में आपने 1000 की संख्या दे दी, बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि यह है कि 3 दिनों में कुछ खबरें 500 घंटे चली, 5 घंटे चली, 500 घंटे चली। मुझे उम्मीद है आप इस चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे यह चैनल आगे बढ़ सके। सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रफुल्ल श्रीवास्तव का टीवी सेवन न्यूज टीम की तरफ से धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांगीर आलम, टीवी सेवन न्यूज यूपी का संपादक, आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल यूट्यूब को बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं और